press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग डेकोरेशन में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे टेबल टॉप की मोल्डिंग की ग्रेनाइट पॉलिश ग्राइंडर से कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ग्राइंडर पे डिश लगा रखी है जिसके नंबर 80 नंबर डिश है। उससे हम मोल्डिंग की पहले कटाई करेंगे और जब तक इसको दबाते रहेंगे, इसको काटते रहेंगे जब तक के लोहे के जो ब्लेड के निशान होते हैं वो पूरे ना मिट जाए। दोस्तों, इसको एकदम जितना हो सके आप दबा के पहली कटाई कर लें ताकि बाद में पेड़ चलाने में आपको आसानी हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें दोस्तों। और दोस्तों, हम आपके लिए हर आसान तरीके से जो ग्रेनाइट पॉलिश होती है उसके हम वीडियो आपके सामने लाएंगे दोस्तों, ताकि आप भी आसानी से ग्रेनाइट पॉलिश कर सकें मोल्डिंगों पर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक बट्टी चला के इसकी कटाई कर ली है एकदम साफ, इसके ऊपर कोई लोहे के निशान नहीं रहे। अब हम इस पे दूसरा पेड़ लगाएंगे 200 नंबर से, इसकी वापस एक बार फिर ग्राइंडर से जो हमने डिश से जो इसकी पॉलिश की है उसको हम वापस इसको दबाएंगे दोस्तों, ताकि कोई डिश के निशान जो है वो 200 नंबर पेड़ से वापस दब जाते हैं। दोस्तों, इसको ज़्यादा दबाने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी पॉलिश हो जाता है। तकरीबन ये 2 फुट का टुकड़ा तकरीबन 10 मिनट में पॉलिश कर सकते हो आप भी ग्राइंडर के माध्यम से और इन बट्टियों के माध्यम से। और ये 200 नंबर पेड़ आपको जब तक चलाना है तब तक के डिश के निशान पूरी तरह से ना मिट जाए दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल अब मिट चुके हैं, ये बड़ी आसानी से इस पर पॉलिश हो जाती है मोल्डिंग पे। तो देखिए दोस्तों, हम इस पर 200 नंबर पेड़ चला चुके हैं। अब इसके ऊपर ग्राइंडर के जो निशान थे 80 नंबर डिश के, वो अब बिल्कुल नहीं है, एकदम स्मूथ हो चुकी है ये। अब इस पर हम चलाएंगे 400 नंबर, फिर चलाएंगे 800 नंबर, फिर चलाएंगे 1000 नंबर, ऐसे करके हम इसकी मोल्डिंग पे पॉलिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मोल्डिंग के बारे में जानकारी दे दूं कि हम क्या रेट लेनी चाहिए और हम इसकी क्या रेट तकरीबन लेते हैं। तो दोस्तों, हम इस ग्रेनाइट मोल्डिंग सिंगल पेंसिल की हम 50 से 55 रुपये रेनिंग फिट नाप से हम इसकी रेट लेते हैं दोस्तों। और अगर डबल मोल्डिंग होती है उसकी रेट अलग होती है दोस्तों, आप भी अपने हिसाब से उसकी रेट ले सकते हो। और अगर दोस्तों ये पत्थर अगर कहीं पे लगा हो तो उसकी लगे हुए मोल्डिंग की पॉलिश करने की रेट दोस्तों अलग होती है। ये हमने ओपन मोल्डिंग जो खुली मोल्डिंग होती है उसकी रेट हमने बताई है दोस्तों। ये देखिए, हमने इसके ऊपर तकरीबन पूरे पेड़ चला चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। अब इस पर हम करेंगे बफिंग, ये फाइनल बफिंग होती है, इसके बाद में बिल्कुल ये वापस ग्रेनाइट मोल्डिंग बन जाती है, शीशे की तरह बिल्कुल ये चमकेगी दोस्तों। और दोस्तों, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आते हैं जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से मोल्डिंग पॉलिश की जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से टाइल लगाना सिखाया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको मार्बल लगाने के बारे में सिखाया जाएगा दोस्तों। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों, हमारा हर वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो और आप काम करने का अच्छा हुनर सीख सकें दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार अच्छी जानकारी के साथ में।